हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जय श्री राम बोल के। ये मेरे चैनल का पहला फुल ब्लॉग है जिसमें मैं कवर करने वाला हूं अपने घर को, अपने दुकान को और डेली के क्रियाकलापों को। तो इस मोटे बच्चे की तरफ ध्यान ना देते हुए हम शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को और आपसे सभी ने निवेदन है कि वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को ले चलते हैं अपने घर की ओर। तो ये गली से भी पतला दिखने वाला मेरे घर का गैलरी है और अभी मैं आपको कराना चाहता हूँ अपने किचन की सैर। आप लोग देख सकते हैं कि पत्थरों और मार्बल की नक्काशी से तैयार किया हुआ है किचन, जिसे हम मॉड्यूलर किचन भी कहते हैं, लेकिन हमारे घर में इसका अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है। ये टूटा हुआ पर्दा और टाइल्स पे जमी हुई धूल इस किचन की दयनीय स्थिति को बयां कर रही है। मित्रों, ये किचन लगभग 7 वर्ष पहले बना था और उसकी कीमत उस वक्त 70,000 रुपये थी। और अगर हम इसमें बने ड्रावर पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब्दुल कलाम जी का एक किताब है और ये बड़े ही शर्म की बात है कि ऐसे किताब को ऐसे जगह पर रखा गया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस किचन का उपयोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे घर में नीचे भी एक किचन है जो हमारे दुकान के पास में है। और अब मैं आप लोगों का ध्यान शौचालय की तरफ खींचना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 तरह के शौचालय बने हैं, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है, जिसे भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता भी कहा जाता है। और यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ अपने गैराज की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी एक छोटी सी बलेनो है जिसे एक बेहद ही गंदे कपड़े में बुरी तरह से ढका गया है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में गाड़ी तो ले लिया जाता है लेकिन उसे अक्सर ही चलाया जाता है। और इसी क्रम में अब बारी आती है मेरी दुकान की। तो मित्रों, मेरी एक किराने की दुकान है और किराने की दुकान को यूं कह सकते हैं कि इसमें दुनिया का हर चीज मिलता है और जो नहीं मिलता है उसे पर्ची पर लिख कर पैसा ले लिया जाता है और अगले दिन उपलब्ध करा दिया जाता है। इस किराने की दुकान को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर, परचून की दुकान, प्रोविजन स्टोर, जनरल स्टोर और पता नहीं क्या क्या। इस दुकान को आप गांव का मिनी मॉल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर तरह के सामान मिलते हैं। और इस श्रेणी में आने वाली दुकानों की एक खासियत भी होती है कि हमेशा इसमें एक ना एक सामान घटा ही रहता है, आप कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि सारा का सारा रैक भरा हुआ है। और ये उसी दुकान में रखा हुआ एक मिनी फ्रिज है जिसकी कुल क्षमता लगभग 190 लीटर है और उसके बगल में रखा गया एक बड़ा फ्रिज है जिसकी कुल क्षमता लगभग 500 या 1000 लीटर है, जिसका मुझे वास्तविक ज्ञात नहीं है। अभी जाड़ा का सीजन चल रहा है इसलिए ये फ्रिज खाली खाली दिख रहा होगा और इसमें बस काम चलाने के लिए कुछ ठंडी के बोतल रखे गए हैं। और ये एप्सन कंपनी का सुपर ऑटोमेटिक प्रिंटर है जो 20 पेज की छपाई करने बाद अपने आप रुक जाता है। ये हमारे दुकान में विराजमान माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है। और मित्रों, अब मेरी दुकान के बाहर का नज़ारा आप लोग देखिए। अभी हमारी दुकान पे छोटे छोटे ग्राहक आए हुए हैं और इनसे हम पूछते हैं इनको क्या चाहिए। शायद उनको खिलौना चाहिए था जो मेरी दुकान पे नहीं था। और मैं आपका परिचय इस नन्हे कलाकार से करा देना चाहता हूँ जो अक्सर मेरी वीडियो में रहती है। इसका नाम परिधि है और अभी ये अपनी मम्मी से पास्ता बनाने के लिए ले जा रही है। अपनी मम्मी को पास्ता देने के बाद परिधि पहुँच जाती है अपनी बड़ी बहन के पास जिसका नाम सिया है। और ये दोनों मिलकर पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सारे खिलौने इधर उधर बिखरे हैं और एक गुड़िया अपनी जगह पे लेटी पड़ी हुई है। इसके बाद मैं और मेरा साथी गोबिया दोनों लोग मिलकर जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए। ये बगल में मेरी गांव की नहर है और अभी ये रोड नया नया बना हुआ है। और मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पेट्रोल टैंक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें जाना है दही लेने के लिए। दही वाले दुकान पर पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी माता अग्नि को जलाकर उसे सेक रही थी। मैंने अंदर जाकर दही का ऑर्डर दे दिया और उसके बाद उसी जगह पर बैठकर मैं भी अपने हाथ को गर्म किया जहाँ पे बूढ़ी माता अग्नि को जलाकर सेक रही थी। मित्रों, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भी बूढ़े लोगों के पास बैठता नहीं है और इन लोगों के पास जो ज्ञान मिलता है वो गूगल पर भी नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से दही लेकर मैं और मेरा मित्र गोबिया निकल गए थे घर की ओर। तो मित्रों, फुल वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद और इस ब्लॉग में जो भी गलती होगी उसके लिए हमें क्षमा करिएगा।